छाँव की तलाश थी और दोपहर को चुन बैठे कुछ लोग गांवों को छोड़ शहर को चुन बैठे। पहले कभी महफूज थे जो खेत खलिहान, उन सबको बंजर कर दिया। अब पुश्तैनी मकानों की नींव को पलायन से जर्जर कर दिया। जिस तरह से हर रोज़ लोग अपनी बेहतर ज़िंदगी और रोज़ी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर रहे हैं, उससे ज़्यादातर गांव सोने होते जा रहे हैं। गांव की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसे ही एक गांव है चमनकोट, जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर बुगाणी रोड पर स्थित है। अति शिक्षा का प्रसार और बेरोजगारी के कारण ये गांव भी पलायन की भेंट चढ़ गया। इस छोटे से गांव के सभी परिवार शिक्षा से संपन्न हैं, जिसका नतीजा सबको अच्छी रोजगार व्यवस्था और आधुनिक सुख सुविधा चाहिए थी, जिसके कारण आज ये गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है। सिर्फ 2-3 परिवार ही यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ से श्रीनगर गढ़वाल और पौड़ी जैसे शहरों का व्यू देखने को बनता है। इस छोटे से गांव की खूबसूरती देखने को बनती है। देव भूमि जो देवताओं की भूमि छे, वक मन की तक नहीं रहेगी। अब अपना अधिकार खातिर ललनवा नौनियाल कख गए। अब मूल की परिभाषा नहीं जान रही, अपनी माटी ते नहीं पछाण रही। भूल गए छुया लुको पानी वा उत्तराखंडियत ते भूल गई। आओ छोरू, अपनी पीढ़ियों ते लड़ा, अपनी मूल अधिकार की मांग ते रखा। ये माटो ही अपड़ो छा, ये ते संभाली रखा। बारे मन क्यों ते एक जगह नहीं रखा। वो खालू भोल यखा गुठहरा में बैठी के तौलको बात, जब गुठियार ही बीरानों में बिकी जालू। कुपुरियालू रामी व सरोली की भवन, जीव बण ही बीरानों में बिकी जालू। तो आव उत्तराखंडियों अग्ने बढ़ा, 1950 मूल अधिकार की मांग ते रखा। रखी सकदा था अपना विरासत ते जिंदा रखा, अपनी अगली पीढ़ी ते कुछ तो बचे के रखा। अपनी दुध बोली भाषा ते पछाणा, ई सणी सोना बोला और जाना। यह हर ची भूलिया बिसरे जालता, हम सबुन यख कन कह रण। अपड़ा पवाड़ा जागर ईमा छा, तुम्हारा पूर्वजों की दय भी ईमा छा।
ईमा अपना नौनियालू दगड़ी बोला बचावा, क्या कि ईमा भारी रस्याण छ। गढ़वाली बोली नी छे भाषा छ, देव भूमि की विकास की आस छ। शामिल करौला ई 8वीं अनुसूची मा, यह हमारी व तुम्हारी जीण की सांस छ। दोबारा धवेड़ी लगोणु छे पहाड़ी तुम ते, निबिसरा अपनी मातृभाषा ते। सीखा पाड़ा लिखा बोला ई मा, फिर दोष न दी अपनी अगली पीढ़ी थी।